जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि घर में अगर तितली आए तो उसका क्या मतलब होता है। संगत जी, अगर आपके घर में तितली उड़ती हुई आती है तो गुरु जी आपको खुद घर में ब्लेस करने आए हैं। तितली घर में अच्छी खबर और खुशियाँ लाती है। कभी कभी हम रोज़ तितली देखते हैं, मतलब हमें गुरु जी रोज़ ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारी झोली को खुशियों से भर रहे हैं। आजकल तो मुझे कमेंट्स में बहुत पढ़ने को मिल रहा है कि बहुत संगत को तितली में गुरुजी के दर्शन मिल रहे हैं, और ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि गुरु परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तितली अलग अलग कलर्स में होती है, हमें रोज़ गुरुजी के दर्शन मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। इससे हमारी लाइफ भी चेंज होगी और हमें तरक्की भी मिलेगी। ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। आपको पता है, तितली को पॉजिटिव जीव माना जाता है। तितली सौभाग्य का प्रतीक होती है। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जो कि एक संगत जी ने मुझसे शेयर किया। एक संगत जी को गुरु जी का मैसेज सामने आता है, तितली रूप विच तेनु दर्शन देवांगा, और दूसरे ही दिन गुरुजी तितली के रूप में उनके गेट के पास आ जाते हैं। वहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है। संगत जी तितली को बोलती है, गुरुजी अंदर चलो। और संगत जी की बेटी उस तितली को उठाने की कोशिश करती है तो तितली उड़कर संगत जी के हाथ पर बैठ जाती है। संगत जी तितली को अंदर गुरुजी के स्वरूप के पास लाती है। तितली गुरु जी के स्वरूप पर बैठ जाती है। संगत जी थोड़े टाइम के बाद तितली को बाहर छोड़ने के लिए बोलती हैं तो तितली नहीं आती। संगत जी वहीं पर रात को 12:30 बजे तक वेट करती हैं और देखती हैं कि तितली वहीं पर मर गई। संगत जी बहुत परेशान हुई कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तितली मर गई। अब वो क्या करें, उनको समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने तितली को देखा तो तितली पे ओम बना हुआ था और फ्लावर की पेटल रखी हुई थी। सुबह उठकर जब वो मंदिर में गई, उन्होंने देखा कि वहाँ तितली नहीं है, गायब है। लेकिन गायब कैसे हुई, वो हैरान हो गई, क्योंकि उनके घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था। पर तितली कहाँ गायब हुई, उन्हें नहीं पता। नहीं तो वो रात में यही सोच रही थी कि अभी मैं मरी हुई तितली का क्या करूं, मेरे से कौन सी गलती हो गई है। लेकिन गुरुजी अपने दर्शन देकर वहाँ से चले गए, उनको ब्लेस करके चले गए। तितली संगत जी के हाथ में बैठी थी, इसलिए हो सकता है कि वो संगत जी की कोई बीमारी अपने ऊपर लेकर चले गई। संगत जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे कर गई और उनके पास जो कष्ट आने वाला था वो टाल कर चली गई वहाँ से। ऐसे ही हमें गुरुजी किस तरीके से, किस रूप में दर्शन दे जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता। बस हमें समझना होता है कि हाँ, गुरुजी हमें दर्शन देने आए हैं, गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देने आए हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। अगर आप में से भी कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आपका सत्संग पूरे गुरु परिवार से शेयर ज़रूर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।